तो आज अपने सब्सक्राइबरों के लिए ई रिक्शा कितने में लेके आए हो आप? सिर्फ मात्र 50,000 में ले जाइए ई रिक्शा अपने साथ। ओ भाई साहब, यानी 50,000 में ई रिक्शा दे दोगे? बिल्कुल। और बाकी डिजिटल मीटर आपको इसमें भी देखने मिल जाएगा। तो गाइस ये उड़ जाता है, यहाँ पे देखो स्टेपनी वगैरह रखी हुई है और इसमें डिस्क मिल रही है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इसकी डिग्गी वगैरह है जो कि ऐसे खोलोगे तो ग्लव बॉक्स टाइप का है छोटा सा, जहाँ पे नहीं चढ़ पा रही है तो आप ये वाला गियर यूज कर सकते हो। ये देखो भाई, सिंगल बैटरी के साथ। तो ये एक बार चार्ज करने में कितने किलोमीटर चल जाता है? एक बार चार्ज करने में मात्र 3 घंटे चार्ज करने पर 80 किलोमीटर चलता है। ये 3 घंटे में चार्ज हो जाता है? मात्र 3 घंटे। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज आज के ब्लॉग में फिर से आप लोग का भाई लेके आ चुका है, भाई इलेक्ट्रॉनिक ई रिक्शा। तो देख सकते हो ये सामने ही खड़ा है और मैं खड़ा हूँ अभी कैनेटेक ग्रीन के शोरूम पे, ठीक है। तो देख सकते हो मेरे पीछे ई रिक्शा खड़े हुए हैं और जो कि बहुत ही बजटली प्राइस में आप लोग को मिलने वाला है, ठीक है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली आज की वीडियो, तो बने रहना। तो चलो अंदर चलते हैं श्रुति मैडम के पास और पूरी ई रिक्शा की डिटेल लेते हैं। Close your eyes. और श्रुति मैडम कैसे हो आप? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो आज अपने सब्सक्राइबरों के लिए ई रिक्शा कितने में लेके आए हो आप? सिर्फ मात्र 50,000 में ले जाइए ई रिक्शा अपने साथ। ओ भाई साहब, यानी 50,000 में ई रिक्शा दे दोगे? बिल्कुल। तो ये अपनी कौन सी कंपनी, कौन से ब्रांड का? काइनेटिक ग्रीन कंपनी। काइनेटिक ग्रीन कंपनी। तो गाइस काइनेटिक का ई रिक्शा होने वाला है। तो इसमें कौन कौन से वेरियंट आते हैं? इसमें वेरिएंट आते हैं, लेड एसिड आता है अपना, पानी वाली बैटरी जिसमें कहलाती है। अच्छा, एक ड्राई बैटरी होती है, लिथियम बैटरी। अच्छा। और एक सुपर डीएक्स ओपन ई रिक्शा में आता है। तो इसमें कोई बेस मॉडल आता है या एक ही मॉडल आता है? एक ही मॉडल आता है। तो अपन ये वाले ई रिक्शा से स्टार्ट करें। बिल्कुल। तो ये ई रिक्शा, एक बात बताइए पहले, तो ये काइनेटिक का होने वाला है तो इसमें कितनी बैटरी लगती है? पहले इसमें 4 बैटरी लगती है। 4 बैटरी लगती है। तो गाइस इसमें 4 बैटरी लगने वाली है और बाकी आप अंदर से देख सकते हो बहुत ही अच्छा इंटीरियर हो रखा है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे क्या रखते हैं इसकी स्टेपनी वगैरह? स्टोरेज बॉक्स है। अच्छा, ये स्टोरेज बॉक्स है। तो गाइस ये उड़ जाता है, यहाँ पे देखो स्टेपनी वगैरह रखी हुई है, ठीक है। तो इसकी बैटरीज वगैरह कहाँ रखी हुई है? ये सिंगल बैटरी वाला है। अच्छा, ये सिंगल बैटरी है जी। तो गाइस ये सिंगल बैटरी में आ रहा है भाई साहब, यानी कि मैंने अभी जितने भी ई रिक्शा देखे हैं यानी सब 4 बैटरी के साथ। और ये देखो भाई, सिंगल बैटरी के साथ। तो ये एक बार चार्ज करने में कितने किलोमीटर चल जाता है? एक बार चार्ज करने में मात्र 3 घंटे चार्ज करने पर 80 किलोमीटर चलता है। ये 3 घंटे में चार्ज हो जाता है? मात्र 3 घंटे चार्ज में। और कितने किलोमीटर चलता है ये? 80 किलोमीटर। 80 कंपनी क्लेम करती है या आप बताते हो? कंपनी 100 बोलती है, अपन 80 मान के चलते हैं। 80। तो गाइस 80 प्लस चलने वाला है। और बाकी मैं आपको इसको चला के दिखाऊंगा, इसकी स्क्रीन वगैरह। तो देखो स्क्रीन वगैरह, डिजिटल मीटर दिया जा रहा है इसमें, पूरा डिजिटल है। तो भाई इसमें पूरा डिजिटल मीटर है, ठीक है। और बहुत ही अच्छी स्पेस है, देख सकते हो। और यहाँ पे भी मेरे ख्याल से 2-2, 4 लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे पूरा स्टोरेज वो एक ही होगा ना? तो भाई देखो बहुत ही अच्छा है। तो ये बताओ, एक बार चार्ज करने में 80 किलोमीटर चलता है ये जी। और इसकी बैटरी कितने एमएच की लगी हुई है? इसमें 80 एम्पियर की बैटरी है। 80 एम्पियर की जी। और मोटर? मोटर 1200 वाट की। 1200 वाट की। तो भाई बहुत ही अच्छी डील में मिल रहा है, ठीक है। और साथ ही मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूं, बाकी मैंने ई रिक्शा में देखा है अलॉय व्हील आते हैं और इसमें डिस्क मिल रही है जो कि बहुत ही अच्छी रहती है और मेरे ख्याल से इसमें टूटने वगैरह का भी डर नहीं रहता है। डिस्क बहुत ही अच्छी रहती है, ठीक है। स्टील बॉडी दी गई है। स्टील बॉडी। तो गाइस देख लो, ये स्टील बॉडी है, कहीं यूज़ नहीं किया गया है सिर्फ इंडिकेटर के अलावा। अच्छा, ये भी मेटल है? तो गाइस पूरा ही मेटल का है, ठीक है। यानी इसको पूरा सेफ्टी में देख के बनाया गया है। तो यानी आप लोग देखोगे ई रिक्शा बहुत ही अच्छा देखने में और लुक भी बहुत आ रहा है इसमें, आपकी सेफ्टी भी आ रही है, ठीक है। तो ये इसका एक बात बताइए, ये आपने 50,000 बता दिए। बिल्कुल। तो इसको 50,000 देने के लिए अपन को ये क्या डाउन पेमेंट है? डाउन पेमेंट 50,000 है, जिसमें लाइसेंस ज़रूरी रहता है। लाइसेंस होना चाहिए, खुद का मकान होना चाहिए, जिसमें बिजली बिल अपने नाम का आना चाहिए। अच्छा, वो यानी फाइनेंस वगैरह के लिए। तो इसकी एग्जैक्टली कीमत कितनी है? 2,52,750। 2,52,750। तो गाइस ये 2,52,750 रुपए का आपको पड़ने वाला है ऑन रोड प्राइस। ऑन रोड प्राइस। इसमें आरटीओ वगैरह? इसमें आरटीओ इंश्योरेंस दोनों ऐड रहेगा। इंश्योरेंस कितने साल के लिए आता है? इंश्योरेंस 1 साल के लिए मिलता है। जब दूसरे साल आप इसको इंश्योरेंस को रिन्यू करवाएंगे तो इसका 40% चार्जेस लगता है बस। अच्छा। और रिन्यू हो जाएगा। तो भाई देख लो, बहुत ही अच्छी डील है भाई साहब, ठीक है। यानी आप कुछ भी नहीं, 50,000 लाओ और ले जाओ ई रिक्शा, ठीक है। तो ये वाला कौन सा मॉडल होने वाला है? ये अपना 4 बैटरी में मॉडल आता है। अच्छा, ये सिंगल बैटरी में था और ये 4 बैटरी? 4 बैटरी में है। ऑटो पैटर्न ही 4 बैटरी में? 4 बैटरी में ऑटो पैटर्न ही आता है। अच्छा,
तो गाइस देख लो, यानी सेम ही लुक है, बाकी पीछे से आप लोग बैटरी देखोगे तो यहाँ पे बस बैटरी का अंतर आ जाता है, यानी 1, 2, 3, 4 बैटरी लगी हुई है और वहाँ पे पूरा कंट्रोलर लगा हुआ है और यहाँ पे आपको वापस से स्टोरेज बॉक्स है, वहाँ पे स्टेपनी भी लगी हुई है और बाकी डिजिटल मीटर आपको इसमें भी देखने मिल जाएगा, ठीक है, जो कि इसमें बदल लगा हुआ है, मेरे ख्याल से रिवर्स गियर लगा होगा, ठीक है, तो मैं बंद कर देता हूँ। और बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इसकी डिग्गी वगैरह है जो कि ऐसे खोलोगे तो ग्लव बॉक्स टाइप का है छोटा सा, और यहाँ पे आपको यहाँ पे चार्जिंग का यूएसबी पोर्ट है, ठीक है। तो इसमें ये बताओ, इसमें मीडिया प्लेयर वगैरह कहाँ लगा है, लगा हुआ इसमें है? लगा हुआ नहीं है, अगर आप इसमें लगवाना चाहते हैं उसमें, तो बेस्ट तो अपना ब्लूटूथ स्पीकर होता है, सबसे बढ़िया वही रखिए आप, क्योंकि जो बैटरी से चलेगा तो फिर माइलेज कम देगी अपनी गाड़ी। अच्छा ऐसा है, तो इसमें लगा हुआ है क्या ब्लूटूथ वाला? इसमें लगा नहीं है, इसमें बॉक्सेस ये दिए गए हैं आपको, ये पूरा आप लगवा सकते हैं मार्केट से। तो गाइस देख लो, स्पीकर के लिए कटआउट दिया गया है, ठीक है, आफ्टर मार्केट आप लगा सकते हैं। बट अगर आप ये लगवाते हैं तो इसमें आपकी बैटरी, मतलब इसमें ही खर्च होगी अपनी, इस पे भी। अच्छा, आपके स्पीकर भी इसी से चलेंगे, बैटरी से। सबसे बढ़िया है ब्लूटूथ आप रखिए, जो कि सबसे सेफ्टी है। मैडम का कहना है कि आप एक पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर छोटा सा खरीद लो और आप आराम से यहाँ पे रख सकते हो, जहाँ पे भी आपको रखना है, क्योंकि बहुत सारी जगह इस पर आप देख सकते हो, ठीक है। और बाकी ये काई के लिए, ये हैंड ब्रेक है क्या? ये अपना जो पावर गियर दिया जाता है, मैजिक गियर बोल लीजिए, मान लीजिए कभी ऊंचाई में अपनी गाड़ी जाती है या फिर कभी गड्ढे वगैरह में फंस जाती है, तो सबसे अच्छा तरीका है उसमें आपको उसको अप करना है और ये हमेशा पावर गियर लगाना है, गाड़ी रोक कर ही, कभी चलती गाड़ी में नहीं लगाना है। अच्छा जी, तो ये पावर गियर हो गया। तो गाइस जैसे आपको यानी टेक आता है ऊंचाई आती है, कभी गड्ढे में अपनी गाड़ी फंस गई है। अच्छा, उसके लिए आपको ये दिया। तो गाइस बहुत ही अच्छा है यार, यानी कि आपकी जैसे गाड़ी जहाँ पे नहीं चढ़ पा रही है तो आप ये वाला गियर यूज कर सकते हो। और बाकी ये वाला सब में रहता है गियर? हाँ, ये सब में रहते हैं। और सिंगल बैटरी में एक फीचर और दिया जाता है, ये रिजर्व मोड का। रिजर्व मोड एक ये बटन है, मान लीजिए रास्ते में अपनी पूरी बैटरी खत्म हो जाती है, इस बटन को आप 15 से 20 सेकंड तक दबाकर रखते हैं तो अपनी गाड़ी 8 से 10 किलोमीटर और चल जाएगी। ओ भाई साहब, रिजर्व मोड। तो रिजर्व मोड है, यानी जैसे अपनी बाइक में पेट्रोल खत्म हो जाता है तो आप रिजर्व में यानी डालते हो गाड़ी, 5 से 6 किलोमीटर रन अप चल जाती है, वैसे इस तरीके का है ये बटन, आप दबा के इसको 5 से 6 किलोमीटर तक आप चला सकते हो, जैसे एंड टाइम में बैटरी ख़त्म हो गई है, ठीक है। बाकी बहुत ही अच्छे फीचर्स हैं, आप देख सकते हो अंदर से, आप देखो नॉर्मली है, यहाँ पे आपको इंडिकेटर की लाइट के बटन मिल जाएंगे, हॉर्न मिल जाएगा, यहाँ पे आपको रिवर्स गियर और यहाँ पे लाइट मोड दिए जा रहे हैं। पहले में अपनी 22 से 25 चलेगी, दूसरे में 25 से 28 और लास्ट में 28 से 30 चलेगी। अच्छा, ये स्पीड के मोड दिए गए हैं। तो गाइस ये स्पीड मोड है ना, ये ना स्पीड मोड, इसमें 3 मोड है। ये फर्स्ट मोड पे कितने किलोमीटर, फर्स्ट मोड पे 22 से 25 चलेगी, दूसरे में 25 से 28 और लास्ट में चलेगी 28 से 30। अच्छा, ये सभी रिक्शा में? ये सभी रिक्शे में। तो अब ये बताइए, ये तो 4 बैटरी वाला है, सिंगल बैटरी तो आपने बता दी 80 किलोमीटर चलेगा, ये तो उससे डबल जाना चाहिए ना? नहीं, डबल नहीं जाएगा, ये अपना ऐसा है कि 7 घंटे चार्ज करने पर 80 किलोमीटर चलता है। तो इसमें बैटरी कौन सी लगी है? इसमें ड्राई बैटरी है, मतलब इसमें जीरो मेंटेनेंस है सिंगल बैटरी में। अगर आप 4 बैटरी लेते हैं तो इसमें पानी का मेंटेनेंस रहता है, मतलब ऐसा हर 700 किलोमीटर पे या फिर हर 15 दिनों में आपको इस बैटरी का पानी डलवाना पड़ेगा जी। तो यानी किलोमीटर का कोई अंतर नहीं मेंटेनेंस है। हां, किलोमीटर का। तो ये कितने किलोमीटर चलती है? 80 किलोमीटर चलेगी सेम, 7 घंटे चार्ज करने पर। 7 घंटे चार्ज करने पर 80 किलोमीटर। और इसकी टॉप स्पीड कितनी जाती है? टॉप स्पीड इसमें 30 की जाती है, 30 की रहेगी। और उसमें भी मोड दिए गए हैं, पहले में 22 से 25, दूसरे में 25 से 28 और लास्ट में 28 से 30। अच्छा, तो गाइस समझ लिया आप लोगों ने। तो इसका एक ई लोडर भी आता है, जैसे कि आपको माल ढोने के लिए चाहिए, यानी हल्का फुल्का माल ढोना है, तो इसकी पहले बताइए लोडिंग कैपेसिटी कितनी है? लोडिंग कैपेसिटी 380 kg। 380 kg जी। तो गाइस देख सकते हो, यानी कि आप इसमें फल वगैरह, सब्जी वगैरह, यानी आपको छोटा यानी बिजनेस सेटअप करना है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है। और साइज़ देखो भाई, बहुत ही अच्छा है, मेरे को आपको साइड से दिखाता हूँ साइज़। तो गाइस गाड़ी का साइज़ देखो, कितना ही कॉम्पैक्ट है यार, बहुत ही कॉम्पैक्ट है। तो ये बताओ, ये सिंगल बैटरी के साथ आता है या 4 बैटरी? ये सिंगल बैटरी में आता है, ये भी सेम सिंगल बैटरी की तरह 3 घंटे चार्ज करने पर 80 किलोमीटर चलेगा। तो गाइस सिंगल बैटरी का एक फ़ायदा है, यानी 3 घंटे में चार्ज हो जाता है। 3 घंटे चार्ज करने पर 80 किलोमीटर और उसमें 3 साल की वारंटी भी दी जाती है। ओ भाई साहब, तो ये वाले में अपना कितने किलोमीटर, यानी कि 4 बैटरी में 1 साल की वारंटी मिलती है। 1 साल की? जी, 1 साल। तो गाइस मैं तो बोलूंगा सिंगल बैटरी वाला ले लो भाई, 4 बैटरी वाला कोई मतलब का मेरे को लग नहीं रहा है, जिस तरीके से मैडम बता रही है। तो मेरे ख्याल से ड्राई बैटरी लो, ज़्यादा अच्छा है। और आप लोग बिजनेस के लिए कोई ई रिक्शा ढूंढ रहे हो तो भाई ये वाला ले जाओ,
जो कि बहुत ही बेहतरीन है। तो ये वाला एक बार चार्ज करने में कितने किलोमीटर चलता है? ये एक बार चार्ज करने पर मतलब 3 घंटे चार्ज करने पर 80 किलोमीटर चलेगा। 80 किलोमीटर जी। तो गाइस देखो, इसका इंटीरियर थोड़ा सा अलग है, यानी आप इसमें नॉर्मली मीटर जैसा रहता है वैसा देखने मिलेगा, ठीक है। और बाकी मैं आपको ऑन करके दिखाऊँ तो ये मेरे ख्याल से अभी बैटरी डाउन है, और बाकी इसमें नॉर्मली फीचर्स हैं जैसे रहते हैं, ठीक है। और बाकी सामने से भी देखोगे तो सामने से भी बहुत स्टील बॉडी है, बहुत अच्छा हो रखा है, और स्टील बॉडी के साथ आ रहा है। मेरे को सबसे अच्छी बात ये लग रही है भाई, सेफ्टी को देख के बनाया गया है, ठीक है। तो श्रुति मैडम ये बताइए, ये दोनों का प्राइस कितना होने वाला है? पहले इसका आप प्राइस बता दीजिए। चार बैटरी में अपना ई रिक्शा आएगा 214,000 का। 214,000 का आरटीओ इंश्योरेंस कंप्लीट विद इंश्योरेंस। तो गाइस इंश्योरेंस इसमें पूरा इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये बताओ, इसकी बैटरी का आपने 1 साल का बताया है ना जी, इसमें डाउन पेमेंट कितनी जाएगी? इसमें भी सेम डाउन पेमेंट है अपना, अगर ड्राइविंग लाइसेंस होता है, खुद का मकान होता है, और ये इसमें 50,000 आप जमा करके अपना ई रिक्शा लेके जा सकते हैं। तो गाइस जाने मान के चलो आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट हैं तो आप 50,000 में ई रिक्शा यहाँ पे कोई भी ले जा सकते हो। और ये वाला कितने किलोमीटर चलने वाला है एक बार चार्ज करने में? ये 3 घंटे चार्ज करने पर 80 किलोमीटर 80 किलोमीटर ये भी सेम है, ठीक है। और स्पीड भी उतनी ही होगी? स्पीड भी सेम है। तो इसमें वाला पावर गियर नहीं दिया जाता है क्या? इसमें पावर गियर नहीं दिया जाता है इसमें। अच्छा। इसका पावर पिकअप वैसे भी बहुत अच्छा होता बहुत रहता है। तो इसमें कितने वाट की मोटर डली हुई है? इसमें 1200 वाट की मोटर। 1200 वाट इसमें भी 1200 वाट इसमें भी सेम। तो यानी तीनों ही रिक्शा में सेम ही है? हाँ, तीनों। और बस बैटरी का अंतर है? बस बैटरी का चार और सिंगल बैटरी और सिंगल बैटरी। तो गाइस मैं तो बोलता हूँ सिंगल बैटरी लो, जो कि बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, ठीक है। श्रुति जी एक बात और बताइए, जो अपना सब्सक्राइबर तो भाई बाहर बाहर से भी देख रहे हैं वीडियो, तो उनके लिए क्या सुविधा होने वाली? उनके लिए हम सबसे अच्छी सुविधा है होम डिलीवरी की। होम डिलीवरी हमारे यहाँ से होम डिलीवरी भी हो जाती है, घर तक आपके ई रिक्शा पहुंच जाएगा। तो डाउन पेमेंट वगैरह कैसा? डाउन पेमेंट सेम रहेगी उसमें भी, अगर ड्राइविंग लाइसेंस उनके पास है, खुद का मकान है चाहे तो। अच्छा, यहाँ आके उनको एक बार विजिट करना पड़ेगा? विजिट करना पड़ेगा, आप गाड़ी देख लीजिए, सब समझ लीजिए, क्या सिंगल बैटरी क्या चार बैटरी है। अच्छा। उसमें क्या फीचर्स हैं ये सब देख लीजिए, तो उसके बाद आप होम डिलीवरी उसके बाद जैसा भी वो फाइनल करते हैं हम फाइनेंस करवा के उनके उनके घर होम डिलीवरी करवा देंगे। तो गाइस समझ लिए, यानी कि आप लोग यहाँ पे आओ, डिसाइड करो, ठीक है, आपको कौन सा ई रिक्शा है। भाई नहीं डिसाइड कर पा रहे, फ़ोन करके भी आप पेमेंट दे सकते हो, पेमेंट देने के बाद आपके घर पर पहुँचा दिया जाएगा होम डिलीवरी के सहारे, यानी होम डिलीवरी के माध्यम से आपके घर तक ई रिक्शा पहुंच जाएगा। बिल्कुल। तो एक बार श्रुति मैडम आप ये बताइए कि यहाँ का एड्रेस क्या है? यहाँ पे एड्रेस है शिवनगर दमोना का, नियर सोना मार्केटिंग, चंडोक मशीन जी के बाजू में। अच्छा, पुजारी मोटर्स। तो गाइस एक बार आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर लेना, इनका पूरा एड्रेस मैंने मेंशन कर दिया है, और बाकी इनकी स्कूटर वगैरह भी आती है, आप लोग देख सकते हो विजिट करके। बाकी मैंने आप लोगों को बता ही दिया, ई रिक्शा इनके 3-4 मॉडल आते हैं, आप लोगों को जो भी पसंद आए। इसमें कलर कौन कौन से मिल जाएंगे? कलर इसमें 4 कलर आते हैं, ग्रीन, वाइट, ब्लू एंड रेड। अच्छा हाँ। और तो गाइस आपको जो भी कलर लेना हो आप ले सकते हो। तो बहुत अच्छा लगा श्रुति मैडम आपसे मिलके। ओके थैंक यू सर। सो गाइस ये है इनका कार्ड, ठीक है, पूरा नंबर इसमें और एड्रेस पूरा मेंशन है, ठीक है। आप ये चारों नंबर नोट कर सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने एड्रेस डाल दिया। आपको कोई भी यहाँ पे ई रिक्शा लगता है तो आप एक बार विजिट कर लो, या आप साइड में नंबर आ रहा है कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। सो गाइस देखा यार, यानी आप लोगों को इतने अच्छे ई रिक्शा मिल रहे हैं। भाई आप लोग एक इलेक्ट्रॉनिक ई रिक्शा लेने की सोच रहे हो तो भाई यहाँ आ जाओ, आपको सिंगल बैटरी में ई रिक्शा मिल रहा है, यानी चार बैटरी वाला भी मिल रहा है, सिंगल बैटरी में मिल रहा है, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छा है, यानी कि सिंगल बैटरी में ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं है, और भाई 3 घंटे में चार्ज हो रहा है, यानी समझ रहे हो 3 घंटे में आप लगाओ ई रिक्शा पूरा चार्ज, यानी लंच टाइम में आप गाड़ी घर लेके भी आओगे तो 3 घंटे के लिए आप लोग ई रिक्शा रखते हो घर पे, तो 3 घंटे लगा दो चार्ज हो जाएगा, उसके बाद अपना निकलो भाई, फिर से आप अपने यानी काम पे लगा सकते हो ई रिक्शा को, ठीक है। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा सिंगल, आप लोगों को जो भी पसंद आता है एक बार विजिट कर लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में भी पूरा एड्रेस मिल जाएगा और साइड में नंबर आ रहा है कॉन्टैक्ट कर लेना। तो और अभी तक लाइक नहीं किया तो भाई लाइक करो, सब्सक्राइब मारो अपने भाई के चैनल को, और जिसने पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी आई बटन में आ रही है ये रहा थंबनेल, चेक कर लेना। तो गाइस मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय।